हेलो स्टूडेंट्स वाम वेलकम क्लास साइंस चैप्टर नंबर कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द फर्स्ट टू वीडियोस वी हैड स्टडीड वीडियो द वेरियस न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड डाइट एक्सेट्रा नाउ वी आर इन द सेकंड वीडियो वी स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ दे सोर्सेज देन देयर फंक्शंस डेफिशिय डिजीज एंड सिमटम ऑफ डिजीज कौन कौन से हमने पॉइंट कवर किए थे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबरल्स वाटर एंड लेट्स मूव फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर मिनरल्स मिनरल्स है क्या तो क्या डेफिनेशन रहेगी सार्स ऑफ सर्टेन मेटल्स और नॉन मेटल्स नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए जितने भी मेटल या नॉन मेटल के साल्ट की जरूरत पड़ती है या लवणों की जरूरत पड़ती है उनको मिनरल्स कहा जाता है हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं कि शरीर अपना कार्य आसानी से करता रहे उसके लिए जितने भी धातु और अधातु के लवणों की आवश्यकता होती है उन्हें मिनरल्स कहा जाता है तो साल्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स और नॉन मेटल्स ठीक है नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन आर मिनरल्स तो हम फर्स्ट मिनरल से शुरू करेंगे फर्स्ट मिनर इज आयरन दफी क्या है इट इजेसरी फॉर दमेशन ऑफ हिमोग्लोबिन रक्त बाहर निकले ब्लड निकले तो लाल रंग का होता है वो लाल रंग का क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी सेल होते हैं रेड ब्लड सेल होते हैं इन रेड ब्लड सेल के अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हिमोग्लोबिन क्या बोलते हैं इसको हम हिमो ग्लोबिन याद करना है यही हीमोग्लोबिन जो क्या करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर लेके जाता है हम सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन सांस के अंदर चली जाती है और वहां से हर सेल तक कौन लेके जाता है ये हीमोग्लोबिन लेके जाता है बेटे अगर आप जानते हैं आपके स्कूलों में गोली दी जाती है वेब्स की होती है नीली गोली खिलाते हैं ना आपको वो इसलिए खिलाते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो तो, तो दैट इज वेब्स वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट्स तो ये दी जाती है इसी के लिए तो क्या खाएं कि हमारी बॉडी को आयरन मिल जाए हमें ये बिप्स जैसी गोलियां खानी ना पड़े एग अंडे जैगरी गुड़ स्पिनच पालक ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी हरी चीजें मैंने कहा था ना उसने कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या है सेलोस तो है ही है लेकिन देखो आयरन भी था ना और भी चीजें हैं उसके अंदर तो ये नहीं खाना नहीं देनी मिलेट मिलेट को हम बोलते हैं मोटा अनाज मोटा अनाज क्या है हम आजकल सिर्फ क्या खाते हैं राइस चावल मेज मक्की व्हीट गेहूं लेकिन पहले क्या खाते थे ज्वार बाजरा रागी ये चीजें खाई जाती थी वो लोग बहुत हेल्दी थे उनको कभी आयरन की कमी नहीं होती थी तो अगर हम आज भी अपनी डाइट में इनको जोड़ लेते हैं अपने खाने में तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी आयरन की कमी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन बनेगा हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारी सारी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी ब्लड की कमी नहीं होगी तो हमें चक्कर नहीं आएंगे ऐसे चलते चलते जैसे आप बड़ी देर बैठो फिर उठो चक्कर आ जाते हैं उस डिजीज को क्या बोलते हैं एक सिम्टम है वो किसका एनीमिया का हो सकता है आपको एनीमिया जुड़ी नहीं है मैं ये भी नहीं बोलूंगा जुड़ी एनीमिया ही होगा हो सकता है आपको एनीमिया हो तो द डिजीज इज एनीमिया सिम्टम क्या रहेंगे डिजीनेस पहले बताया चक्कर आना जनरल वीकनेस बॉडी कमजोर हो जाती है लॉस ऑफ स्टेमिना क्षमता में कमी हो जाती है आदमी को चलने फिरने में कमजोरी महसूस होती है तो ये सिम्टम किसके हैं आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है द नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन अगला कौन सा आयोडीन को आई से लिखते हैं जैसे आयरन को एफ से लिखा था आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थाक्सिन हार्मोन हार्मोन क्या होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को काम करने में हेल्प करते हैं तो उनमें से एक हार्मोन का नाम है थाइरोक्सिन क्या है थाइरोक्सिन तो थाइरोक्सिन जो हार्मोन है ये हमारे गले में ग्लैंड होती है थाइरोयड याद रखिए कहा बताया मैंने हमारे एक नेक में ग्लैंड होती है ग्लैंड मतलब तो ग्रंथी होती है उसमें उस नाम क्या उसका थाइरोयड तो ये थारॉइड के अंदर थायरोक्सिन बनता है तो ये थायरोक्सिन बनता है तभी हमारी ग्रोथ जो है प्रॉपर रहती है शरीर में दर्द नहीं होती नहीं आते तो काफी हेल्प करता है तो इसके लिए क्या खाना है आपको सी फूड खाइए आयोडाइज साल्ट खाइए ऐसा नमक जिसमें आयोडीन डालियो वो बड़ा नमक खाइए एक चीज यहां मैं बहुत क्लियर कर दू बेटे कि हमें कुछ पॉइंटों में मिलीग्राम में चाहिए होता है आयोडाइन नमक अगर हम तड़का बना लगाते हैं लगाते हो तड़का और नमक तड़के में डाल देते हैं तो समझ लीजिए वह सारी की सारी आयोडीन उठ जाती है हम नहीं खा पाते हम सिर्फ वही आयोडीन खा पाते हैं जो कभी हमने किसी फ्रूट के साथ लगा ली कभी सलाद के ऊपर डाल दिया तो इतनी ही आयोडीन हमारे लिए एनफ होती है लेकिन अगर इतनी भी नहीं हम आयोडीन खा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सबसे पहले कौन सी बीमारी होगी ग्वाइटर ग्वेटर को हिंदी में बोलते हैं घेंगा और घेंगे में जो गला है ना बंदे का वो बाहर को लटक जाता है

नंबर मेंटल डिसिटी उसकी मानसिक विकास नहीं होगा रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाएगी उसकी रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ उसके शरीर का विकास नहीं होगा इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी आप क्या करें रॉ चीज खाएं रॉ मतलब रॉ समझते हैं कच्ची सब्जी खा रहे हैं कच्ची सलाद खा रहे हैं फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा आयोडाइसाइड लगा लीजिए थोड़ा सा दैट्स एनअ फॉर द ग्रोथ आयोडिन के बाद जो हमारा अगला मिनरल है वो है कैल्शियम दैट इज कैल्शियम कैल्शियम को किससे लिखते हैं सी ए सी कैपिटल ए स्मॉल अब ये कैल्शियम किसके लिए जरूरी है इट हेल्प इन मेकिंग बोन्स एंड टीथ ये हमारी बॉडी में हड्डियां और दांत बनाने में बड़ा काम करता है एंड इट हेल्प इन ब्लड ब्लडिंग आल्सो जो कभी चोट लग जाती है तो हमारा रक्त जो है वो जम जाए तो भी कौन काम करता है कैल्शियम आल्सो हेल्प इट कैल्शियम मिलेगा वट आर द दोर्सेज ऑफ कैल्शियम मिल्क मिल्क प्रोडक्ट दूध या दूध से बनी हुई चीजें होल ग्राम पूरे दाने सीरल्स सीर क्या होते हैं अनाज गेहूं मक्की ये सब इसी में आते हैं मीट ये चीजें खाते हैं तो कैल्शियम मिल जाता है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में क्या नहीं होगा कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन एंड टूथ डिके कई बार किसी के दांत देखे होने आया टूटे टूटे से पता तुट नहीं कैसे टूट गए पड़े पड़े तो टूथ डिके क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेफिशंसी ऑफ कैल्शियम उसकी डाइट में कैल्शियम की कमी है हड्डियां इतनी भुरभुरी हो जाती हैं वीक कमजोर एंड ब्रिटल भुरभुरी मतलब जरा सा चोट लगे टूट जाती है टूथ तो डिके तो तो हो जाएगा तो दीज आर द वेरियस क्या है सिम्टम्स ऑफ द कैल्शियम द नेक्स्ट मिनरल इज अगला क्या आ गया phosphorus को किससे लिखते हैं बच्चे पी से लिखते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ये भी बोन और टीथ के लिए जरूरी है मिल्क बाजरा नट ग्राउंड नट मतलब मूंगफली खाओ ऐसी चीजें खाए फिश इन सब भी आपको फॉस्फोरस मिलता है और फॉस्फोरस किसकी हेल्प करता है कैल्शियम की हेल्प करता है वही सारे सिम्टम रहते हैं जो किसके हैं बोन है टूथ डिके हो जाता है वो सारे इसके सिवा कुछ और भी मिनरल हैं जो हमें चाहिए होते हैं सोडियम एन ए पोटेशियम फ्लोरिन इवन क्लोरिन भी चाहिए होता है हमारी डाइट में होता है ये भी तो सी एल हम अगर नमक खा रहे हैं नमक खाते हैं नमक का फार्मूला एन ए सी एल मैंने बताया तो सोडियम मिल जाता है और क्लोरिन भी मिल जाता है तो ये कुछ एक है जिनकी हमें इससे अलग से जरूरत रहती है ये तो थे मेजर न्यूट्रियट्स अब चलते हैं अगले न्यूट्रियट की तरफ दैट इज वाटर क्या आ गया पानी देखिए अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या होता है अगर हम अपनी बात करते हैं बॉडी की तो हमारी बॉडी में सेवेंटी परसेंट पानी है हमारे ब्लड में नाइन्टी टू परसेंट वाटर है हमारी मसल में सेवेंटी फाइव परसेंट हमारे बोन्स में ट्वेंटी टू परसेंट और अंगूर को देखते हैं नाइन्टी एट परसेंट पानी ही होता है तो पानी का कोई टाइप नहीं है लेकिन इसके फंक्शन बहुत है क्या क्या काम कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट बॉडी टू अनदर जो न्यूट्रिएंट हैं जैसे हमने खा लिए पच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां से हर अंग तक कौन लेके जाएगा पानी लेके जाता इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट थस हेल्प इन द एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के हर सेल में वेस्ट तैयार होता है हर सेल में वेस्ट पदार्थ होता है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना है कौन लेके जाएगा पानी लेके जाता है इट हेल्प इन डाइजेशन जो आपने खाना खाया उसको पचाने में पानी सहायता करता है इट हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो तापमान है वो सही रहे कौन कंट्रोल करता है अगेन वाटर इट प्रोवाइड मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है खाना पच रहा है हम सोच रहे हैं देख रहे हैं उसका रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर केमिकल्स जितने भी रिएक्शन है दे आर विद द हेल्प ऑफ वाटर तो ये सारे काम कौन कर रहा है पानी पानी मिलता कैसे है आप डायरेक्टली पी सकते हैं फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हैं सब्जी खा रहे हैं उन सब में क्या मिलता है आपको वाटर मिल जाता है जब आपको वाटर मिल जाता है लेकिन अगर आप बाई चांस क्या करते हैं पानी नहीं पीते कई दिनों तक तो क्या हो जाती है डिहाइड्रेशन उस केस में देखते हैं क्या क्या सिम्टम रहते हैं अर्ली एजिंग अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं ठीक है यंग बंदा भी क्या लगता है ओल्ड लगना शुरू हो जाता है इमप्रॉपर डाइजेशन खाना तरीके से नहीं पसता है हीट स्ट्रोक गर्मियों में चीज में पानी की कमी होने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं आदमी की डेथ तक हो जाती है डिहाइड्रेशन शुरू में पढ़ा हमने लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी पानी में पानी का लॉस हो जाए तो क्या होता है ब्लड गेट थिक कर हमारा जो खून है ये मोटा हो जाता है हम बोलते हैं ना इसका खून मोटा हो गया गाढ़ा हो गया हुआ तो वैसे तो खून तो वो है जब वो किसी को मर्डर है तो ज़्यादा अच्छा कि रक्त जो है आदमी का क्या हो जाता है गाढ़ा हो जाता है एंड इट कॉज सवियर पेन एंड क्रैम्प इन मसल हमारी मसल्स में दर्द होती है हो, और ऐसे लगता है मसल जो है एंट जाती है ऐसे लगता है कि हम बोलते हैं क्या हो गया मेरी मसल में एंठन हो गई है तो वो किसके कारण से है दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन पानी की कमी से ऐसा होता है इसलिए पानी जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए सुबह उठते पानी पीजिए खाना खाने से पहले पानी पीजिए खाना खाने के बीच कम पीजिए लास्ट में तो बिल्कुल मत पीजिए ठीक है और बाद में पी लीजिए आधे घंटे के बाद तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं द लास्ट न्यूट्रियट इज अ डाइट्री फाइबर और कौन सा न्यूट्रियट है हमारे पास डाइट्री फाइबर इसको क्या बोलते हैं हम रफेज भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज रफेज पहले बताया था ये फाइबरस है ये रिश्तेदार होता है इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द फूड ये हमारे फूड का ही हिस्सा होता है लेकिन उसमें से जो नहीं पचता है वो वाला जैसे मैंने कहा साग खा लिया तो साग में क्या क्या मिला आपको विटामिन ए मिला विटामिन सी मिला कैल्शियम मिला फॉस्फोरस मिला सब मिला लेकिन साथ में उसके अंदर रेशे भी मिले वो वाले रेशे क्या है द तो रफेज और डायटरी फाइबर्स इसका कोई टाइप नहीं है लेकिन फंक्शन क्या है डोंट गिव एनर्जी बट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड ये कभी भी हमें एनर्जी नहीं देता है लेकिन सारे खाने को बचाने में हेल्प करता है help in retaining body. अगर आप पी लेते, तो कहते हैं हमारी बॉडी में पानी निकल जाता है तो ये हमारी बॉडी के हर सेल को पानी रखता है उसको जीवन बना के रखता है एड बल्क टू फूड सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इज देर वाइल्ड टेकिंग द मील क्या बोला मैंने एड बल टू फूड हमने कम खाना खाया लेकिन हमें लगता है हमारा पेट भर गया यार बस अब नहीं खाना हो रहा है तो खाना खाते हुए ये जो सेटिस्फेक्शन है ये जो संतुष्टि है ये कौन देता है डायट्री फाइबर देता है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन देखिए जिस बंदे ने खाना कम खाया होता है उसकी बॉडी में खाना बड़ी आसानी से पच जाता है जब उसकी बॉडी में खाना आसानी से पच जाता है तो उसको कभी कब्ज नहीं होती तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती कॉन्स्टिपेशन मतलब है जिसे हम कब्ज कहते हैं दैट इज कॉन्स्टिपेशन हेल्प रेगुलर बाउल मूवमेंट बाउल मूवमेंट क्या होती है बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना फिकल मैटर को बाहर निकालना यानी शब्द में लेटरिक पास करना तो बाउल मूवमेंट को कौन हेल्प करता है फाइबर्स रफेस हेल्प करते हैं कैसे मिलेंगे क्या खाके हमें मिलेगा जरूर डाइट में शामिल कीजिए दिन में फ्रूट जरूर खाइए कॉर्न कॉर्नकॉब्स मक्की के भुठे खाते चबाते ना वो वाले ब्रान ब्रान होती चोकर चोकर क्या मतलब बूरा जो आटे का बूरा हम छाड़ के फेंक देते हैं वो क्या है दैट इज डायट्री फाइबर वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड कीजिए अगर हम इन चीजों को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो यही वाली प्रॉब्लम हमें हो जाती है बाकी इसकी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है ये वाली चीजें हमें क्या हो जाएगी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी वगैरह वगैरह तो ये सब थे दीज आर ऑल द डिटेल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स देयर टाइप देयर फंक्शन देयर सोर्स देयर डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ये हमने अभी किए हैं अब हम ये चेक कर सकते हैं एक थोड़ा सा टर्म में कि अगर हमें ये देखना किसी खाने में क्या है स्टार्च है या नहीं है किसी खाने में प्रोटीन है या नहीं है तो उसके लिए टेस्ट रहते हैं टेस्ट के लिए आपको एक्टिविटी का वीडियो नेक्स्ट चौथे नंबर पे अभी आ जाएगा कल एक और बनाया जाएगा अभी आप इस पे देखते हैं पहले टेस्ट फॉर स्टार्च क्या है टेक स्मॉल सैंपल ऑफ फूड एंड बॉयल खाने का छोटा सैंपल लेना और उसको आपने क्या कर देना गर्म कर देना एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डल्यूट आयोडीन कहीं डी आई एल लिखा बच्चे आप छठी में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी तो उसको क्या पढ़ते हैं डेल्यूट डेल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा होता है और आयोडीन कम होती है हमने उसमें आयोडीन की दो चार बूंदे डाल दी आयोडीन का फार्मूला आई रहता है तो आई डाल दिया राइट तो अपियरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट ठीक है इसमें क्या होता है कौन सा रंग आ जाता है नीला या काला रंग आ जाता है दिस शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च तो स्टार्च के लिए क्या टेस्ट लेते हैं हम आयोडीन का टेस्ट लेते हैं अगर नीला काला रंग आ जाए तो आज स्टार्च है नहीं तो नहीं राइट right? इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं टेस्ट फॉर फैट भी कर सकते हैं फैट का टेस्ट करना तो क्या करेंगे आप प्लेस ए फूड स्टफ ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर आप खाने की कोई चीज लीजिए आपने कई बार मटरी ली होती है मटरी हम अखबार पर रख लेते हैं थोड़ी देर के बाद अखबार के ऊपर तेल तेल सा लग जाता है वही टेस्ट है किस चीज का अगर हम गेहूं के दाने रखेंगे तो दाग लगेगा है ना नहीं लगेगा कड़क कर्ण कर्ण रखने पर नहीं लगता है तो यही चेक करते हैं तो प्लेस अ फूड सैंपल ऑन अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर किसी भी सफेद पेपर के ऊपर क्या कर दिए खाने का सैंपल रखना है रॉबिट फिर उसको मलना ऐसे ए पेपर बिकम ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट न पारभासी उसके आर पार धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाए क्या दिख जाए धुंधला धुंधला तो समझ लीजिए उसके अंदर फैट है तो इतना आसान है फैट का टेस्ट तीसरा टेस्ट है फैट फॉर टेस्ट फॉर प्रोटीन वो कौन सा हो गया फिर वो थोड़ा सा आपने सैंपल लेना है फ्रूट सैंपल और उसको क्रश कर देना फिर हमने क्या करना है उसके अंदर वन ग्राम फूड स्टफ लेके थोड़ा पानी डाल देना एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है आपने ठीक है क्या करनी है एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है अभी आपको टेस्ट ट्यूब भी दिखाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है क्या करना थोड़ा सा पानी डाल देना मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको राइटअप के जरूर कर लीजिएगा आप नोटबुक पर राइटअप कर लेंगे अगली वीडियो में आप इसको एक्टिविटी देखेंगे अब जब हमने इसमें पानी डाल दिया और क्या डाल दिया नीचे फूड स्टफ डाला हुआ है इसको मिक्स कर दिया इसके घोल दिया है तो क्या डालने कॉपर सल्फेट सोलूशन की दो ड्रॉप डाल दी कॉपर सल्फेट का फार्मूला सी यू एसओ फोर सी यू एसओ फोर सी कैपिटल यू स्मॉल एस कैपिटल ओ कैपिटल और ऐसे लिखना तो कॉपर सल्फेट की दो ड्रॉप्स डाल दी देन एड टेन ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा अब उसमें कास्टिक सोडा कास्टिक फॉर्म्यू था एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इससे कॉपर सल्फेट बोला इसको क्या बोल देते हैं हम सोडियम एन क्या है सोडियम ओ एच को क्या बोलते हैं हम हाइड्रोऑक्साइड तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो कॉपर सल्फेट के बाद हमने इसमें 10 ड्रॉप किसकी डाल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड शेक द कॉन्टेंट एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स हमने इसको हिलाया और रख दिया फिर थोड़ी देर फिर से थोड़ा सा हिलाना है देन देखिए अगर उसमें वॉयलेट कलर आ जाता है

कवर हो चुके हैं इस लेसन के इसको साथ साथ में कीजिएगा ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है कि कुछ क्वेश्चन हैं अगर आप इनको गो थ्रू होंगे तो आपको आगे जाके पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी ध्यान से देखिए आपने इनको पढ़ लेना है और प्यारे बच्चों एक सबसे बड़ी बात है कि इनके आंसर है नीचे आप अपने आप पहले सॉल्व करके देखिए कि आपको ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पेरेंट्स भी साथ बैठ सकते हैं देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को कई कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं तो आप कॉल कर सकते हैं ये जो ऊपर वाले छह क्वेश्चन है इनके आंसर आ गए अ आ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल पड़े आपने इसको क्या करना है सीधा करना है जैसे सीधा कर क्या बनेगा प्रोटीन ये क्या बनेगा ये क्या है जंबल वर्ड है इसको अरेंज करके लिखना है तो देखिएगा प्लीज ऊपर वर्ड है इसे डेफिनेशन नीचे आपने फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर टेन में भी यही है यहाँ खाने लिखने इन्हों से उठा के किस क्या खा के कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा क्या खाने से फैट मिलेगा आपकी एक चीज दो जगह भी जा सकती है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है नीचे आंसर भी हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व कि जो टेस्टी फूड होते हैं ये जरूरी न्यूट्रिशियस होते हैं कई बार हमें हार्म भी कर सकते हैं आयोडीन को कैसे लेबोरेटरी में करना है आपने कपड़े पे गिर जाती है तो क्या फर्क पड़ता है ठीक है आपने इसको देखिएगा प्लीज कुछ ये क्वेश्चन है थर्टीन फोर्टीन जो बच्चे अपने आप को देख रहे हैं कि हमने आगे बढ़ना है हमने कोशिश करनी है आगे जाने की नई चीजें सीखनी है तो बेटे उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर बने बनाए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनको जरूर देखिए पढ़ के देखिए नहीं समझ आता कॉल कीजिए आई एम विद यू एट एवरी स्टेज जिस जहां आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं समझ आते हैं आप प्लीज़ जरूर बात कीजिएगा कोशिश यही है मेरी कि आपके साथ चलें हम आपको आगे लेके चलें हालांकि इसमें सबके आंसर हैं उतारने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है ये वीडियो आपके पास जिंदगी भर रहेगा और ये अलेवन क्वेश्चन है ये आपने अपने नोटबुक में उतारने हैं मैंने इनसे बात भी की है तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आपको इनके आंसर बताऊँ सिर्फ पहले ये फाइव क्वेश्चन और ऊपर वाले फाइव टेन क्वेश्चन कवर करने हैं थैंक यू Go ahead. Bye-bye.